लास्ट सटरडे मॉर्निंग जो सटरडे आया था मॉर्निंग का पेन एंटरटेनमेंट पेन एंटरटेनमेंट में ठीक है आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग यू हेयर ऑन अ सैटरडे मुझे माफ़ करना तुम लोगों को तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए वो भी सैटरडे के दिन अंदर सैटरडे तो के दिन इनका ऑफिस बंद रहता होगा आई एल बाई यू लंच एज थैंक्स मैं तुम्हें तुम्हारे तुम्हें लंच बाय करता हूँ एज अ थैंक्स थैंक यू के रूप में इट्स फाइन कोई बात नहीं वी नीड टू फिनिश एडिटिंग बाय टुडे टू मीट द डेड हमें एडिटिंग ख़त्म करनी है डेड के ख़त्म होने से डेड तक मीट द डेड लाइन डेड तक हमको एडिटिंग ख़त्म करनी है बट आई एम थैंकफुल दैट यू आर बाइंग मी लंच बट मैं इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे लिए लंच लेकर आ रहे हैं इज इट दिस फाइल क्या यह क्या यह वह फाइल है यस लेट्स सी हाँ चलो देखते हैं वाह सी इज नो जो यह कोई मजाक नहीं है यह कोई मजाक नहीं है इसी रियली प्लेइंग द पियानो क्या ये सच में पियानो बजा रही है इट लुक्स रियल ये बिल्कुल रियल लग रहा है वेयर डिड यू फाइंड दिस चाइल्ड एक्ट्रेस कहाँ से आपने इस एक्टर को चाइल्ड एक्टर को ढूंढा है सी इज़ नॉट अ चाइल्ड एक्ट्रेस ये कोई चाइल्ड एक्ट्रेस नहीं है डी यू नो हु सी इज तुम्हें पता है ये वह कौन है रियली सच में हु इज सी कौन है daughter. ये सी इज सेंगून डॉटर ये सेंगून की बेटी है जो सेंगून मिस्टर सेंगून हैज़ अ डॉटर मिस्टर सेंग्यून की डॉटर भी है बेटी भी है लो यहाँ पे कुछ अजीब लगा मुझे क्योंकि हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं लगा क्योंकि इसको कहाँ बताया था वो दूसरा था ना जिसको बताया था कि मेरी डॉटर है ही डज हाँ उसकी है यू डिडेंट नो तुम्हें नहीं पता सी प्लेड इट ऑन द स्पॉट विदाउट एनी म्यूजिक सीट सी प्लेड उसने बजा लिया था बिना किसी म्यूजिक सीट के रियली सच में सी इज नॉट अ नॉर्मल जीनियस ये कोई नॉर्मल जीनियस नहीं है जीनियस जस्ट लाइक हर फादर हाँ बिल्कुल अपने पापा की तरह एज एक्सपेक्टेड इट रन इन देयर फैमिली बिल्कुल जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है इनकी फैमिली में रन कर रहा है What? क्या कैन सेंगिन प्ले पियानो टू क्या सेंगिन भी पियानो बजा लेता या ही इज क्वाइट गुड एट इट एज वेल हाँ वह इसमें बहुत अच्छा है इज दैट सो ऐसा है क्या आई हैड नो आइडिया मुझे नहीं पता था लुकिंग uh, बैक अगर पीछे देखा था इट सीम्स ही ऑल्सो कम्पोज वेल ये अगर बा, बाप, पीछे देखा जाए तो ये कंपोज भी बहुत अच्छे से करता है डिडेंट ही है ना है ना ही डिडेंट गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन फॉर इट इसके लिए उसको कोई इसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है बट ही हैज़ अ रियल नेक फॉर इट बट उसके पास एकदम बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसके पास वही टैलेंट है इनके कहने का मतलब ये है एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज ओपिनियंस एंडेड विद गुड रिजल्ट और उसके जितने भी ओपिनियंस रहे हैं वो हमेशा एक अच्छे एंड पर जाकर खत्म हुए हैं रियली सच में पीपल लाइक देट आर यूजली ऑन द साइड इस तरीके के पीपल बहुत ही कम ही साय साइड पर होते हैं इज ई ऑल्सो गुड एट सिंगिंग दैन क्या ये सिंगिंग के लिए भी सिंगिंग में भी बहुत अच्छा है क्या सरप्राइजिंग हि सिंगिंग इज जस्ट सो सो सरप्राइजलिंग देखें तो इसकी सिंगिंग बिल्कुल सब ठीक ठाक है अभी इसका मजाक देखो चलाएंगे सो सो इन टर्म्स ऑफ बींग इन लीग विथ सिंगर सो सो मतलब ये बिल्कुल सिंगर के, सिंगर के जैसा ही है व्हाट ये शौक हो गया क्या हाँ नो no वे <laughs> नहीं हो सकता अजीनियस फादर अजीनियस डॉटर इजन दैट टू मच जीनियस फादर की जीनियस बेटी ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है बट इट्स द ट्रूथ लेकिन ये सच है दैट इज अ जीनियस सिंगिंग जीनियस है अजीनियस हुजेंट नो ही इज़ अजीनियस एक ऐसा जीनियस जिसे खुद नहीं पता कि वह एक जीनियस है इन फर्स्ट प्लेस विनिंग बाय मेजोरिटी वोट फर्स्ट पहले स्थान पर जिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है सन क्लास चेहस फादर जो सन क्लास के चेहन के पापा जो संगडी वाह wow, कितनी खुश है दिस वॉज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड डैडी सिंग ये पहली बार है जब मैंने डैडी को गाते सुना है आई वॉज सो सरप्राइज मैं बिल्कुल एकदम हैरान हो गई थी यू सिंग्स सो वैल आपने इतने अच्छे से गाया डैडी सिंग्स वेल डैडी ने अच्छा गाया यस सो मच बेटर देन द लिटिल मरमेड लिटिल मरमेड से भी बहुत अच्छा डा डैडी वोन फर्स्ट प्लेस एंड गोटी द लिटिल मरमिट डैडी ने पहला प्लेस जीता और तुम्हारे लिए लिटिल लिटिल मरमिट डॉल जीत ली गोटी मैंने पाई डैडी डिड वेल राइट डैडी ने अच्छा किया सच है ना? यस। डैडी इज़ द बेस्ट डैडी बेस्ट है। हैं चैंस फादर हाउकम यू सिंग सो वेल आप कैसे इतना अच्छा गा लेते हैं यू ऑलवेज सीन बिजी आप हमेशा बिजी दिखते हैं आर्यु परब सा सिंगर क्या आप सिंगर हैं क्या हाँ नो बट यूजन्स मदर मतलब यू डिड वेरी वेल टू हाँ हाँ हा। नहीं लेकिन यूजुन की माँ आपने भी बहुत अच्छा किया है आई सड्यूस्ड यूज फादर विथ माई सिंगिंग मैंने अपनी सिंगिंग से ही सि, यूज के फाद यूंग्स के पिता को सड्यूस किया है सिड्यूज किया है मतलब अपनी गिरफ्त में लेना गिरफ्त ज़्यादा हो गया है सड्यूज मीन्स ललचान वो है ना मनमोहक मोहित करना इस टाइप से ठीक है यू राइट सी लुक सो पीटी हाँ ये सच है ये वह बहुत सुंदर लिखती थी यू डोंट हैव टू से दैट तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं थी द स्पोर्ट्स डे एंड ड इन सच ए फ्रेंडली एटमोसफेयर स्पोर्ट्स डे बहुत ही फ्रेंडली एटमोसफेयर में खत्म हुआ दे आर वॉज अ स्मॉल कॉमोशन यहाँ पर कुछ कॉमोशन हो गया था लेकिन बट लेकिन कॉमोशन में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला टाइप का सीन होते हैं कॉमोशन चयून वॉज एबल टू चेंज चेयन में थोड़ा सा अंतर आया एंड ओपन हर हार्ट अप टू अदर्स और थोड़ा सा अपना दिल दूसरों के लिए भी खोला फॉर मी मेरे लिए इट वॉज अ डे फुल ऑफ ग्रोथ मेरे लिए एक ऐसा दिन था फुल ऑफ ग्रोथ करे था द आफ्टर मैथ ऑफ द स्पोर्ट्स डे एंडेड अपराउंड द चहन ऑल ऑफ सन्डे मतलब मैं चेहुन के पास वो तो पूरे सन्डे रहा हूँ चेहन लाइक डेट लिटिल मरमेड डॉल सो मच चेहुन को ये लिटिल मरमेड डॉल इतनी पसंद बहुत पसंद आई सी वन ईट्स विथ है वह इसके साथ खाती है सी बेली एवर लेट्स गो ऑफ द डॉल रिसेंटली, बेली मीन्स होता है एकदम ना के बराबर एकदम ना के बराबर सी बेली एवर लेट्स लेट्स गो मीन्स वह बहुत ही कम उसको छोड़ती है अपनी डॉल को छोड़ती है रिसेंटली मीन्स अभी फिलहाल में वीन मंडी कैम अराउंड जब मंडी आया एंड वी एर राइड द किंडर गार्डन और जब हम किंडर गार्डन में पहुँचे ओम माए अवर चेउ ब्रोड हर फ्रेंड टू किंडर गार्डन हमारी चैन अपनी दोस्त को भी किंडर गार्डन लेकर है, यस इट वॉज द लिटिल मरमिड इट्स द लिटिल मरमिड यह लिटिल मरमिड है सीम्स लाइक द लिटिल मरमिड कैम विथ चैन टुडे दिख रहा है कि चेउन के साथ लिटिल मरमिड भी आई हुई है यूर राइट right, आप सही कह रहे हैं इज़ द लिटिल मरमिट फर्स्ट टाइम है किन्डर गार्डन क्या ये पहली बार है जब लिटिल मरमिट किन्नर गार्डन आई हुई है सो कैन यू हेल्प हर एडजस्ट क्या तुम इसको एडजस्ट करने में हेल्प करोगी इंट इज हटी योर अदर फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करो अपने अदर दोस्तों के साथ में ओके ठीक है बाय डैडी सी लीटर बाद में मिलते हैं चेहन ब्रिंग्स इन ब्रिंगिंग अ डॉल्ट किन्नर गार्डन इज़ अ गुड साइन ये अच्छी बात है कि चहन डॉल लेकर आई इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है हावर लेकिन द अदर किड्स माइट गेट जेलिस दूसरी किड्स हो सकता है इससे जेलिस हो जाए ये चेहन गे इन सब क्वेलिंग ओवर द डॉल प्लीज टेक केयर ऑफ हर देन अगर चेहन uh, क्वलिंग होना क्वरलिंग मीन्स झगड़ा करना अगर इसमें झगड़ा हो जाए थोड़ा बहुत तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा आई एल बी वॉचिंग ओवर हेयर टू मैं उस पर अभी ध्यान रखूंगी यहाँ पर अनडरस्ट समझ गया देन थैंक यू एंड आई लीव हर इन यूर केयर टीचर देन मीस ठीक है फिर मैं ने ने उसको आपके केयर में छोड़ के जाता हूँ लीव हर मीन्स छोड़ता हूँ गुड मॉर्निंग टीम लीडर गुड मॉर्निंग टीम लीडर ओह सें यू कैम टू वर्क आप काम पर आ गए वेयर इज एवरी वन सभी लोग कहाँ हैं दे आर ऑल आउट ऑफ ऑफिस सभी लोग ऑफिस से बाहर हैं एवरी वंस बिजी वॉकिंग ऑन देअर फीट सब लोग अपने बस पैर पे अपने काम में बिज़ी हैं ऑन देयर फीट मीन्स होता है एक फ्रेज होता है इसका मतलब होता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं है ना वॉकिंग ऑन दियर फीट यू डिडेंट फॉर गिट यू हैव एन इंटरव्यू टू डे टू राइट तुम शायद भूले नहीं कि आज इंटरव्यू है ना इट 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 स्टार्ट एट एलेवन यह yeah, इलेवन में स्टार्ट होने वाला है सो लेट्स ईट लंच सो लंच जल्दी खा लेते हैं यस अंडरस्टैंड हाँ समझ गया कम टू थिंक ऑफ इट आई वॉज़ सपोज टू इंटरव्यू माई रिप्लेसमेंट टूडे अगर हाँ कम टू थिंक मीन्स अगर सोचा जाए अगर सोचा जाए तो आज मैं अपने रिप्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू करने वाला हूँ सपोज मीन्स सपोज शायद है ना टीम लीडर यूजली यूजली रियली बिजी टीम लीडर यूजली मीन्स बहुत ही ज़्यादा यूजली वैसे हमने बेलनी पढ़ा था ना बेलनी मीन्स कभी कभार यूजली मीन्स ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा टाइम वो बिजी ही रहते हैं सो इट वुड बी ग्रेट इफ़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन कैम ये बहुत ही अच्छा होगा और हार्ड वर्किंग पर्सन आ जाए जो बहुत मेहनत करता हो गुड so येस्ट टिंग लीडर द इंटरव्यू इज़ टूडे आज इंटरव्यू है बट इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू वर्किंग लेकिन अगर तुम काम करना चाहते हो कंटिन्यू मीन्स जारी रखना चाहते हो जस्ट लेट मी नो मुझे बता देना इट्स ऑल राइट कोई बात नहीं नो आई नो यू आर बींग कंसिडरेट मुझे पता है कि आप मेरे लिए कंसिडरेट हो रहे हैं सो आई कुड स्टिल टेक केयर ऑफ मैटर डॉटर तो मैं अपनी डॉटर का अच्छे से ध्यान अभी भी अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ ध्यान रखूँ बट यू नो आई कॉन्ट वर्क लाइक दिस फॉर एवर लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा इस तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं हाउ दिस इंडस्ट्री इज़ ये इंडस्ट्री कैसी है आई गो टू वर्क इन द वी आवर्स ऑन द मॉर्निंग वी आवर्स मीन्स होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग चार बजे समथिंग तीन बजे इस टाइप से बता रहा है इन वर्क ओवर टाइम अपन और कई बार ओवर uh, टाइम काम करता हूँ वर्किंग विथ सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज़ के साथ में आई नेवर नो वाट टाइम आई वुड गेट होम मुझे नहीं पता कि मैं घर कब जाऊँगा दैट्स ट्रू ये सच है लेकिन द डायरेक्टर आज के इफ़ यू रियली वुडेंट स्टी इवन इफ वी प्रोमोटेड यू डायरेक्टर हमसे पूछा है कि क्या तुम तब भी नहीं रोकेगे अगर मैं अगर हम तुम्हें प्रोमोट कर दें आई नहीं रुकूंगा। आई एम गोइंग टू फोकस इन टायरली ऑन चौहन मैं पूरा फोकस चहन पर देना चाहता हूँ आई सी इट्स अ पी टी तो ये थोड़ा सा पी टी तो होता है थोड़ा सा उदास टाइप का बट आई कॉन्ट रीजन अंगेंस्ट दैट लेकिन मैं इसके अंगेंस्ट में कुछ रीज़न नहीं दे सकता आई गेट इट मैं समझ गया थैंक यू वाट इस द मैटर क्या बात है आई डोंट थिंक आई एम सूट इड टू भीर हम्म hmm, मुझे लगता है कि मैं सूटेड नहीं हूँ इंटरव्यू लेने के लिए यू आर अ स्पेशल केस तुम एक स्पेशल केस हो यू आर कैपेबल तुम कैपेबल हो एंड वर्क रियली हार्ड और बहुत ही हार्ड मेहनत ज़्यादा मेहनत करते एंड सिंस वी आर चूजिंग योर सक्सेसर और क्योंकि मैं तुम्हारा सक्सेसर चूज करने वाले हैं हम इट्स ओनली नेचुरल ये नेचुरल है फॉर यू टू बी है कि तुम्हारा यहाँ रहना टेक इट इजी आसानी से लो ओके वेन यू से इट लाइक दैट जब आप ऐसे कहते हो इट मेक्स मी फील अ टेड बिट मोर कम्फर्टेबल ये मुझे थोड़ा जा थोड़ा सा कम्फर्टेबल देता है वी हैव द टीम लीडर ऑफ द पी आर टीम जो हो ये टीम लीडर है पी आर टीम की सी यूजली कोल्ड एंड वेरी ब्लड ये बहुत ही कोल्ड और वेरी ब्लैंड मैनी से सी इज़ अ प्रोफेशनल अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल वे इन वर्किंग सी मतलब प्रोफेशनल की भी प्रोफेशनल हो जाती है जब ये काम करती हैं आई हर्ड दैट मिस्टर सिंगिंग वर्कस हार्ड सो आई गॉट क्यूरियस द टीम लीडर हाइड यू आई मैंने सुना है कि सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है तो सो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ जिज्ञास हूँ क्या टीम लीडर ने तुम्हें छुपा कर रखा है सेकेंड सिंगर टीम टीम लीडर वो क्यों सू सीज नो फॉर हर सॉफ्ट बट फेयरी पर्सनैलिटी ये अपनी सॉफ्ट और फेयरी पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती है देयर्स अ रूमर देट वी गेट सिंगरी यहाँ पर रूमर है कि जब ये बहुत गुस्से में हो जाती है ओनली द सी ओ एंड डायरेक्टर कैन स्टॉप आर सिर्फ सी ओ और डायरेक्टर ही इसे स्टॉप कर सकते हैं मतलब देखो कितनी फेंडली लग रही है लेकिन जब गुस्सा आता है तब सी ओ और डायरेक्टर ही इसे काम कर सकता है काम करना मतलब शांत करना आवर टीम डीडम मस्ट है लॉर्ड ऑफ माई फॉल्ट हमारे टीम लीडर बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ निकालते हैं मेरी गलतियाँ निकालते हैं वाट oh, क्या आई हैव ओनली हर्ड गुड थिंग्स अबाउट यू लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनी है दैट जस्ट मेड मी ऑल द मोर क्यूरियस इसने मुझे और भी ज़्यादा क्यूरियस बना है। आई लाइक टैलेंटेड पीपल मुझे टैलेंटेड पीपल बहुत पसंद है ये सिग्नेचर होता है लव का और लाइक का शी लाइक्स पीपल हु आर गुड एट वट दे डू इसे ऐसे पीपल अच्छे लगते हैं जो कि अच्छे होते हैं जो भी ये काम कर रहे होते हैं मतलब ऐसे पीपल जो अपने काम में एकदम माहिर होते हैं उसे ऐसे पीपल अच्छे लगते हैं एंड सी इज़ नॉट साय ऑफ रिक्रेटिंग दैम पॉइंट ब्लैंक एट और इस ये बिल्कुल भी नहीं सरवाती है ऐसे लोगों को हायर करने में रिकायर एकदम अगर एकदम लास्ट स्टेज भी होगी ना तो भी उन्हें क्या करेगी रिक्रेट कर लेगी ले लेगी मे बी ओवर टीम लीडर हाइड हाइड मी सिंस ही थाट टीम लीडर वो वो टेक मी अभी शायद हमारे मुझे टीम लीडर ने मुझे इसलिए हाइड करके रखा है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं टीम लीडर वो मुझे अपनी टीम में ना ले लें टेक मी अभी इनफ बहुत हुआ स्टॉप चैटिंग एंड गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू और इंटरव्यू के लिए तैयार वॉट द रस रस मैंने जल्दी किया है वी हैव टाइम हमारे पास समय है और नॉट और नहीं टाइम परसेज बाई टली ना टाइम बहुत जल्दी पास होता है सेल वी हैव द फर्स्ट इंटरव्यू देन फिर पहला इंटरव्यू ले कम इन अंदर आ जाओ थैंक यू वट काइंड ऑफ पर्सन विल शो अप किस तरीके के इंसान आएगी